हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएस प्रीति सिंह क्लासेस में। और आप हमारे चैनल पर अपडेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहीं ना कहीं अगर आप वीडियो क्लासेस घर पर रिसीव करना चाहते हैं तो आप हमारी स्क्रीन पर आ रहे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही साथ कॉल कर सकते हैं। मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपके माइंड से बड़े सारे कन्फ्यूजन खत्म कर देगा। हम फीचर्स ऑफ ईमेल, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये सिंपल टॉपिक दूसरे सिंपल टॉपिक के साथ कई बार आपको कन्फ्यूज कर देता है और एग्जामिनेशन में आप गलत टिक कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन में गलत टिक करने से बचना है तो आप जरा इनका डिफरेंस समझने का प्रयास करें। थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां कंफ्यूजन आपका बना रह सकता है। इस टॉपिक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एक अनदर वीडियोस में, लेकिन आज हम सिर्फ एक कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए फीचर्स ऑफ ईमेल कॉन्सेप्ट्स पर यहां बात करने वाले हैं। तो मैंने आपसे बात किया बच्चों, अगर हम फीचर्स ऑफ ईमेल की अगर हम बात करते हैं, ये ईमेल के क्या फीचर्स रहेंगे, तो यहां पर एक लिस्ट हमने यहां पर बना रखा ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉनिक होता है, फास्टेस्ट वे में ट्रांसफर हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, पैसे भी कम लगते हैं, क्लाउड स्टोरेज भी इसमें अवेलेबल होता है, हम अपने ईमेल अकाउंट में बड़े सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके रख सकते हैं, चेंजेस एट द वर्क प्लेसेस, और कहीं ना कहीं वर्क प्लेसेस में बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करके देता है। जो कम्युनिकेशन हम काफी टाइम में करते हैं ईमेल के थ्रू, बड़े इफेक्टिव, बड़े जल्दी से जल्दी फास्टेस्ट मैनर में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में बड़ा चेंजेस आता है। एक पैकेज के तौर पर काम करता है, बड़ी सारी फैसिलिटीज यहां से मिल जाती है। इंटरफेस के तौर पर भी काम करता है कि हम अपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से कोई डाटा कट कॉपी पेस्ट कर जैसे करते हैं, वैसे ही हम कहीं ना कहीं ईमेल ड्राफ्ट करते टाइम पर भी डाटा कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अटैचमेंट की बात करें तो ईमेल के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ अटैचमेंट, पीडीएफ, वीडियो फाइल्स वगैरह, ये सारी थिंग्स, ऑडियो क्लिप्स वगैरह ये अटैच किए जा सकते हैं। स्पैम की अगर हम बात करें बच्चों, तो ईमेल में एक फीचर ये भी होता है कि वो स्पैम को रोकता है, यानी कि जो मैसेज ऐसे होते जो आपके काम के नहीं होते, अननेसेसरी कोई आपको भेजे जा रहा है तो उनको आप स्पैम कर सकते हैं, तो वो आपके मेन फोल्डर में नहीं आते, वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। सिग्नेचर्स, कई बार जब आप ईमेल भेजते हो तो बार बार सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं, एक बार सिग्नेचर सेट किए जा सकते हैं। और ईमेल में सर्च का भी ऑप्शन होता है, कोई पर्टिकुलर ईमेल आप फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से आए तो आप उसको सर्च कर सकते हो, जैसे सीएस प्रीति सिंह क्लासेस से जो मेल आपको भेजा गया और उसी को फाइंड आउट करना चाहते हो तो सर्च में आप सीएस प्रीति सिंह क्लासेस टाइप करेंगे तो हमारा जो मेल आपको खुल करके आ जाएगा। तो बेटा ये मैं बात कर रहा था फीचर्स ऑफ ईमेल। जब जब फीचर्स ऑफ ईमेल की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ ईमेल, तो ये सारी लिस्ट में से आप उधर नाम टिक कर सकते हो। लेकिन अगला कंसेप्ट होता है फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट, वो ऑल टुगेदर थोड़ा डिफरेंट है। नाम देखो, फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट, तो कंफ्यूज हो सकते हो, कई बार क्वेश्चन फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट का होगा तो आप फीचर्स ऑफ ईमेल को भी उधर टिक कर सकते हो। ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं बात कर रहा हूं फीचर्स ऑफ ईमेल, इनको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे अनदर वीडियोस में, लेकिन अभी मुझे बात करनी है आपसे सिर्फ फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट की, जिससे कि दोनों में एक प्रॉपर डिफरेंसिएशन क्रिएट हो जाए, फीचर्स ऑफ ईमेल एंड फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट। अब मैं फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट को यहां दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, पहला है फोल्डर बेस्ड फीचर और दूसरा है ऑप्शन बेस्ड फीचर। आपका ईमेल अकाउंट, ईमेल नहीं, आपका ईमेल अकाउंट क्या फीचर्स रखता है। तो फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, जैसे ईमेल अकाउंट की अगर हम बात करें, किसी पर्टिकुलर पर्सन का ईमेल अकाउंट है तो उसमें इनबॉक्स होता है, इसमें सेंट मेल वाला ऑप्शन होता है, ड्राफ्ट वाला फोल्डर होता है, स्पैम वाला फोल्डर होगा और ट्रैश वाला फोल्डर होगा। ऑप्शन बेस्ड अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो एक ईमेल अकाउंट में मेल कंपोज करने का फीचर होता है, फीचर का मतलब वो सारे पॉइंट जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंपोज मेल करने का भी फीचर्स होता है, कॉन्टेक्ट सेव करने का भी फीचर्स होता है, फील्ड एक टू फील्ड वाला भी फीचर्स होता है, सब्जेक्ट वाला फीचर अलग होगा कि क्या सब्जेक्ट टाइप करना है, टेक्स्ट एरिया कितना टेक्स्ट टाइप करना है, वो किस एरिया में टाइप करना है, या मैसेज को सेंड करने वाला बटन होगा वो भी एक अलग फीचर्स होगा। तो ईमेल अकाउंट के और भी बड़े सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन जो आपकी स्टडी ने सजेस्ट किए उनको हमने यहां पर हाईलाइट करने का प्रयास किया है। तो फीचर्स ऑफ एन ईमेल अकाउंट और फीचर्स ऑफ एन ईमेल दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट है, तो ध्यान से एग्जामिनेशन में आंसर टिक करना कि इन्होंने जो फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट की बात कर रहे हैं या ही फीचर्स ऑफ ईमेल की बात कर रहे हैं। ये डिफरेंस मैंने क्रिएट यहां पर करा दिया है आपको, और इसके रिगार्ड में जो हमारा फुल फ्लेज वीडियो होगा, इनकी एक्सप्लेनेशन होगी, वो हम एक अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव बस यही था, कहीं ना कहीं आपके माइंड में कंफ्यूजन जो रहता है जनरली कि फीचर्स ऑफ एन ईमेल अकाउंट और फीचर्स ऑफ एन ईमेल में कहीं उसे सिमिलर ट्रीट ना कर लो, तो इस रेफरेंस में मैंने ये पर्टिकुलर गाइडेंस वीडियो बनाया आप लोगों के लिए।
तो उन्हीं सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है और फीचर्स ऑफ ईमेल और फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट को आपने एक सेपरेटली ट्रीट करके चलना है। तो इसको डिटेल जो एक्सप्लेनेशन रहेगी हम वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग क्लासेस में करेंगे, वो एक अलग एस्पेक्ट रहेगा। वापस आते हैं बेटा, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे फीचर्स ऑफ ईमेल। तो फीचर्स ऑफ ईमेल और फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट का ये मेल मेन डिफरेंस हमारा रहा और उस डिफरेंस को हम जरूर एग्जामिनेशन में याद करें। तो चलते हैं इसके डिटेल्ड कंसेप्ट की तरफ।